92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात। उसी एक दंत विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति गजानन गणेश महाराज का नाम लेकर दिन की शुरुआत करने से आपके सारे कार्य निर्विघ्न हो जाते हैं। कहते हैं कि मन में अगर विश्वास हो तो वैसे भी आपके कार्य निर्विघ्न होते जाते हैं। इस विश्वास को अगर मेहनत का सहारा मिल जाए तो क्या कहने, फिर तो कोई कार्य ना होने का काम ही नहीं। वो सारे कार्य जो आपको आज निपटाने हैं, आज ही आपको शांत चित्त होकर पहले मेडिटेशन करके योग करके खुद को साध के फिर उनके पीछे पड़ना है ताकि आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। एकाग्र चित्त हो जाइए आप प्रभु के स्मरण में और अपने कार्यों को बनाने के लिए अपनी शक्तियां बढ़ाइए। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ सहर कार्यक्रम में देती हूँ आपको शुभकामनाएं, बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। आज 25/4/2017 मंगलवार है। आज चंद्रमा मीन राशि में रात्रि 9:55 तक फिर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवती नक्षत्र है रात्रि 9:55 तक और फिर उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। आज के मुहूर्त सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 12:37 तक है लाभ। दोपहर 12:37 से लेकर दोपहर 2:11 तक है अमृत और दोपहर 3:46 से लेकर शाम 5:21 तक है शुभ। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक नए तरीके से मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। जब मैं बंबई में सिद्धि विनायक के मंदिर जाती हूँ तो बाहर एक धुन लगी होती है जो एक बहुत ही मशहूर धुन है और वो जगह जगह पर अलग अलग गायक गा चुके हैं। सुनिए कुछ इस प्रकार। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर बीच में स्वार्थ शामिल है तो टिकना मुश्किल है। टिकाइए अपने रिश्ते और स्वार्थ को हटाइए। मैं कामिनी खन्ना निस्वार्थ भाव से आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आपकी ये सुबह अत्यंत मंगलमय जाए ऐसी मेरी मनोकामना। आइए जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि के लिए इनके लग्न का स्वामी जो होता है मंगल, वैसे वृश्चिक राशि के भी लग्न का स्वामी होता है मंगल। ये आक्रामक पराक्रमी और बहुत ही मेहनती किस्म के लोग होते हैं और किसी ऊंचे ओहदे को प्राप्त करना जानते हैं, वैसे ये क्रोधी भी होते हैं। वृषभ राशि के लग्न का स्वामी होता है शुक्र। अपनी बात निभाने वाले, अपने लोगों को प्यार करने वाले और साथ में आर्टिस्टिक नेचर के लोग होते हैं, लेकिन थोड़े अपने हिसाब से जिद्दी भी होते हैं। इनको अगर कोई काम करना है तो इनको दूसरों पे विश्वास करना पड़ेगा। मिथुन राशि के लिए इनके लग्न का स्वामी होता है बुध और व्यवसायी किस्म के लोग होते हैं। इनको दो तरह का स्वभाव अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा खेलना कूदना मजा करना एंजॉय करना और इसके साथ साथ हंसते खेलते काम भी करना, इनको आलस अच्छा नहीं लगता। ये मृदुभाषी होते हैं और बहुत ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं। कर्क राशि के लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा। बहुत ही चंचल स्वभाव के लोग होते हैं। इनको थोड़ा देर गुस्सा आता है, थोड़ी देर में प्यार कर लेते हैं, बहुत भोले होते हैं, मन से अच्छे होते हैं। इनको संभालने वाला कोई होना चाहिए, नहीं तो ये बह जाते हैं। और इनके जो कार्य होते हैं बहुत मेहनत से करते हैं, क्योंकि इनके दशम का स्वामी होता है मंगल। कोई भी काम मन लगा कर करते हैं, जीवन में एक बार तो बहुत ज्यादा सफल होते हैं। इनको शिव जी की पूजा भाती है। सिंह राशि के लग्न का स्वामी होता है सूर्य। ये पराक्रमी, साहसी और डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं।
ये किसी औहदे पर होते हैं कि शासक वर्ग में होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं और साथ ही में इनकी डोमिनेशन से बहुत लोग जो है घबराए होते हैं, इसलिए इनको अपना स्वभाव बदलने के लिए गायत्री की आराधना करनी चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के लग्न का स्वामी होता है बुध। ये धीर और गंभीर नेचर वाले, अपनी बात पेट में रखने वाले और सबसे शेयर नहीं करने वाले, लेकिन कोमल स्वभाव के, थोड़े से डरपोक, थोड़ा सा डर के रहने वाले, ईश्वर से डर कर चलने वाले, ईश्वर में मन लगाने वाले और साथ ही में न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन थोड़े से अपने ही विषय में सोचने वाले होते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य। नहीं, मैंने आपको बताया कि स्वभाव क्या होता है। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का ऐसा ही कुछ स्वभाव। और अब समय हो गया है, आज मंगलवार है और मेरे हनुमान लला कब से वेट कर रहे हैं कि आप सब मिलके उनकी आरती उतारें। चलिए जल्दी जल्दी हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी को क्या क्या अच्छा लगता है? लड्डू अच्छे लगते हैं हनुमान जी को, केले अच्छे लगते हैं हनुमान जी को, गुड़ और चना भी चढ़ता है। पहले कपूर जलाकर, दिया जलाकर आरती तो करें। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। अपनी स्वयं की क्षमता से एक काम करो और दूसरों पर निर्भर मत रहो, ऐसा कहा जाता है। और गौतम बुद्ध महाराज ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा जाता है कि जितना खुद से काम होता है उतना करो। और अगर हमने सोचा कि हमारा ये काम दूसरा इंसान कर लेगा तो हम वहीं पर जो है मार खा जाते हैं। मैं काम ही नहीं करना आपको रोज सुबह बोलती हूँ, आप खुद एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी ये सुबह अच्छी हो। सुबह सुबह तला फला नहीं खाना है और सुनना है तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तुला राशि। तुला राशि के लग्न का स्वामी शुक्र और इस लग्न के लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तोल मोल के बोल तुला की तरह, और उनको हर बात में उसका विचार विमर्श और लॉजिक ढूंढने की आदत होती है। अगर ऐसे लोग वकील वगैरह बन जाएं तो सफल हो जाते हैं, अदरवाइज इनको ऐसा काम करना चाहिए जो पैसे से रिलेटेड हो। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लग्न का स्वामी जो होता है वो मंगल। थोड़े से गुस्सेबाज और अपने आप में रहने वाले, लेकिन अपना कार्य सिद्धि के लिए कुछ भी करने वाले ये लोग जो होते हैं, अपना काम बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं आक्रामक स्वरूप से। और अगर ये गायत्री की आराधना करें, गणेश जी की पूजा करें तो इनके जीवन में बहुत सारे काम इनके बन जाते हैं। वैसे ये आर्टिस्टिक स्वभाव के होते हैं। धनु राशि। धनु राशि के लग्न का स्वामी होता है गुरु। बहुत ही ज्यादा निभाने वाले लोग, बहुत ही ज्यादा प्यार देने वाले, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आए तो इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। ये लोग जो होते हैं ये आपको, परिवार को, सबको समेट के चलने वाले, सबका ध्यान रखने वाले, जिम्मेदारी उठाने वाले लोग होते हैं। और ये अगर सूर्य की आराधना करते रहे तो इनके जीवन में इनका भाग्योदय हो जाता है, इस बात का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के लग्न के लोग जो होते हैं, राशि के लोग जो होते हैं, बहुत ज्यादा कर्मठ, तापसी और अपना काम धीरे धीरे लिए लेकिन बना लेने वाले। इसके साथ ये आर्टिस्टिक भी होते हैं। अगर ये चाहते हैं कि ये ऐसे क्षेत्र में आए जहाँ पर कोई कला का क्षेत्र है तो इनके काम बनते जरूर हैं। और ये अगर चाहते हैं जो काम करना वो करके दिखाते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लग्न का स्वामी भी शनि। ये भी अपने पेट में बातें रखने वाले, न्यायप्रिय शासक वर्ग और बहुत ज्यादा अपनी मनवाने वाले, थोड़े से कठोर और दंडप्रिय, न्यायप्रिय होते हैं। अपना काम मनवाने के लिए ये जुगाड़ करते हैं और किसी भी तरह अपना काम बना के रखते हैं, व्यवसायी होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये लोग जो हैं ये अपने हित का ज्यादा सोचते हैं तो गलत नहीं होगा। मीन राशि। मीन राशि के लग्न का स्वामी होता है गुरु। बहुत ही चंचल स्वभाव के लोग और बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू टाइप के लोग, ये लोग जो होते हैं अपना काम और दूसरों का काम भी बना कर देने में एकदम सक्षम होते हैं। कंसल्टेंट हो सकते हैं बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे कार्य अपने बिजनेस में ये कर सकते हैं। इनके लिए गुरुवार का दिन अत्यंत शुभ रहता है, और अगर ये शिव जी की पूजा करें तो इनके जीवन में काफी बदलाव आते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक वास्तु टिप। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर। महाराष्ट्र भर में जब गणपति घर आते हैं और घर घर में गणपति विराजमान होते हैं तो सब जगह एक ही आरती गाई जाती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सुनिए आप भी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ।
हम जो भी बोलते हैं अपने शब्दों का चयन मतलब के चुनना सही होना चाहिए, शब्दों को सही चुन के बोलना चाहिए, उससे दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा अच्छा या बुरा ये पहले ही सोच लेना चाहिए। मैं कामिनी खन्ना, आप सभी लोगों को अगर मैंने कोई कभी भी दुख पहुंचाया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशीर्वाद प्रार्थी तो मैं रहती हूँ आपकी। हर घड़ी हर सुबह आ जाती हूँ सहर कार्यक्रम लेके आपके साथ और आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करती हूँ। मैं कहाँ तक सफल हूँ ये तो आप ही बताएंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए जानते हैं एक और वास्तु टिप जिससे आपके जीवन में आपके घर में उजियारा छाए। मैंने आपको बताया था कि घर की शुद्धि के लिए पोछा मारने के लिए उसके अंदर आप जाड़ा नमक यानी कि समुद्री नमक डाल सकते हैं। एक चीज और, कई बार ऐसे होता है कि समुद्री नमक आपके पास है नहीं या कई बार ऐसे भी होता है कि आपको समुद्री नमक डालना नहीं है, आपको सिर्फ प्लेन पानी रखना है, तो एक काम और कर सकते हैं आप, थोड़ा सा गंगा जल या गंगा जल की बूंदें आप डाल सकते हैं और उससे आप अपने घर में पोछा मार सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप गंगा जल खुद पर भी छिड़कें या अपने घर के कोने कोने में छिड़कें तो आपके घर में जरूर शुद्धता आएगी, क्योंकि जब आप गंगा जल छिड़क रहे होंगे आपकी मन की भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी और आपकी ये जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ही काम करती हैं आपके घर को शुद्ध करने के लिए। मैं कामिनी खन्ना एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। अभी आपको दिन को अच्छा बनाना है और वो वाला पैर बाहर निकालना है जो वाली सांस आपकी चल रही हो। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे गणपति बापा की आराधना अभी हमने खत्म नहीं की है, जाते जाते हम फिर उनकी आराधना करेंगे ताकि आपका ये दिन जो है एकदम निर्विघ्न पार हो जाए। सुख करता दुख हरता है वो, आइए उनकी आराधना करें और दिन को अति उत्तम बनाएं।